नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियार। इंग्लैंड जैसा देश जिसने क्रिकेट को जन्म दिया, खुद वही 44 साल तक क्रिकेट के सबसे बड़े खिताब वर्ल्ड कप से दूर रहा। लेकिन 14 जुलाई को लॉर्ड्स पर वो ऐतिहासिक दिन भी आया जब 44 साल के सूखे को खत्म करते हुए कैप्टन मॉर्गन ने इंग्लैंड को विश्व विजेता बना दिया। इस जीत के लिए भी इंग्लैंड को काफी मेहनत करनी पड़ी। 45वें ओवर 196 रनों पर 5 विकेट गंवाने वाली इंग्लैंड को न्यूजीलैंड सुपर ओवर तक ले गई। फिर सुपर ओवर में भी दोनों टीमों में बराबरी की टक्कर हुई, लेकिन आईसीसी के नियम की वजह से इंग्लैंड को जीत नसीब हो गई। इतनी मुश्किल से जीत हासिल करने वाली इंग्लैंड ने जीत के बाद राहत की सांस ली और पूरी टीम ने फिर जमकर जश्न मनाया। लेकिन इस जश्न के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब दो खिलाड़ी जश्न छोड़कर ही भाग खड़े हुए। कहते हैं, अंग्रेजों के जश्न में अगर शैंपेन की बोतल ना खुले तो वो जश्न कैसा। तो जैसे ही जश्न के दौरान खिलाड़ियों ने शैंपेन की बोतल खोली, इंग्लैंड टीम के दो मुस्लिम खिलाड़ी आदिल राशिद और मोइन अली धीरे से खिसक लिए। इमाम ऑफ पीस नाम के ट्विटर हैंडल से इमाम ताहिदी ने ये वीडियो ट्वीट कर चुटकी लेते हुए लिखा, शैंपेन से दूर भागते ब्रिटिश मुस्लिम क्रिकेटर्स को देखें, ये इतना मजेदार है कि मैं हंसी नहीं रोक सकता। इमाम तवाहिदी एक जाने माने लेखक होने के साथ ही एक बड़े स्कॉलर के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। तवाहिदी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और इस्लाम में कट्टरपंथ के घोर विरोधी हैं। उन्होंने जैसे ही इस वीडियो पर तंज कसा, एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ये नाटक है। उन्हें पता था कि ये होगा, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहे थे ताकि बाद में ये एक मुद्दा बन सके। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है, आत्मघाती बमबारी ठीक है, लेकिन शैंपेन डरावना है। ये तो आम है कि ज्यादातर मुस्लिम शराब को हराम मानते हैं, इसके सेवन से भी बचते हैं, लेकिन ब्रिटिश क्रिकेट टीम के मुस्लिम खिलाड़ी मोइन अली और आदिल राशिद जश्न से उस वक्त भाग खड़े हुए जब उनके साथ खिलाड़ी बेयरस्टो और प्लंकेट जीत की खुशी मनाते हुए शैंपेन उड़ाने लगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बता दें, रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड की टीम को बाउंड्री काउंट के नियम से हराकर जीत हासिल की। वर्ल्ड कप के इतिहास में ये अब तक का सबसे रोमांचक मैच रहा। 50 ओवरों के खेल में दोनों ही टीमों ने बराबर स्कोर बनाया और मैच टाई हो गया। इसके बाद सुपर ओवर में भी मुकाबला टाई ही रहा, लेकिन ऐसी स्थिति में आईसीसी के बाउंड्री काउंट के नियम से फैसला हुआ और सबसे ज्यादा चौके लगाने वाला इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गया।